They will, but when we do that part, I just move those here. Maybe right even above? Well, our filmer needs to be here to film. So, I mean, above. But then it cuts down, right? Yeah, no problem, no problem. Becca, can you come in with me? Good.
दादा बोल रहे दादा तुम्हें समझाए क्या था कि कोई देख नहीं पाई आगे आगे देखो आदमी टाइम लेके देख ही फोटो एक एक आदमी पांच पांच मिनट लेके देखो इसे थोड़ो
this one, can you move that closer? Okay. Thank you.
long as it's good. Or reserve the promise. Or amongst the protection of the. Or can you be certain of the. Or Mahan the last. Or give a shot of the. Or more of the. Or by starting a certain company, he is a certain. Oh, sostenu proprio per sua sostenuta di Michele Sottolano, sostenu, sottolano, sostenu, 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 Shattu Vidhimya Shaiti Sakti Hariyum Tatsat Hariyum Tatsat Hariyum Tatsat Hariyum Om Vishnu 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 Adhrama Shri Paramatmani Shri Pushukumar Maha Vishnu Raja Parvarmar Setha Shri Babnu Vedita Parade Shri Shri Paratapai गंगाधरी को सर्वनाश पाते स्थिति हम प्री ईश्वर हरि ओम श्री परमात्मा अधिपते महा ओम गणना त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानंतवा प्रिय पति गंगवामहे निधिनंतवा निधिपति गंगवामहे त्वाशुभम Thank you.
church over there. First thing is the other church, the new church, first thing is the first thing. Om Karma Chusti Goswan Medite Topati Satam. Hariyum Nashurve Chusti Goswan Medite Topati Satam. Are you action with those one meditate of the Stockholm? Are you confirming to see those one meditate of the Stockholm? Are you confirming to see those one meditate of the Stockholm? Are you the condition of the state of Are you home to Stanley Kushagar from Meditate of Padistan? Shri Shri Vidu, Poshma, Shri Shri Pantam, Shri Shri Vidhi, Rivyar, Shri Vikar, Shri Shri Shri, Vishya Shri Principal, Sasa, Dishma, Dipna, Pompa, Pihar, Thakdhavar, Kamukha, Tuhi, Adam, Tuhi, Bhutha, Sumitana, Vase, Putra, Rajesh, Shadwara, Sanyi, Mata, Shri,
गंगाधरी प्रसन्न अमस्य वेदस्य वेदादि ग्रंथम उत्तम लोक प्रार्थना माधव देव कर्म प्रीशे गोत्र पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत पिंड स्थानीय प्रणय निशते में आदि चेत हम पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते मुख्य प्रेत मृत्यु स्थानीय शव निमित्त एस्टे पिंडो में आदि तेतो प्रतिष्ठित हम हरिओमिक गोत्र नमस्ते पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत पिंडो परिपथ ने जन्म ते में आदि तेतो प्रतिष्ठित हम द्वारे देश पानन स्थानीय अत्रणी निश्चिते में अधिक स्थान हरिओ माधवी गोदर नाम से पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री प्रसाद नाम से प्रेत द्वारा देश पात्र निमित्त विष्णु देवता एस्टे पिंडो मैं आदित्य द्रौपदी पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत चंद्रवरी केचर नाम के स्थाने आत्मणी निशते में आदित्य तो प्रतिष्ठित हम पुत्र राजेश प्रसाद द्वारा स्वर्गीय माता श्री गंगा देवी प्रसाद नमस्ते प्रेत खेचर पिंडो परिपत्र निशते में आदित्य हेतु प्रतिष्ठित हम प्रेत विश्वते भूतनाम रुद्र देवते एस्टे पिंडो में आदित्य हेतु प्रतिष्ठित हम
हरि नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः शिवाय
श्री को यहाँ से हमें विदा करना है परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो पृथ्वी से बड़ी क्या होती है? पृथ्वी से बड़ी हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ का जो स्थान है वो ईश्वर गुरु से भी ऊंचा होता है। जो भक्ति भाव से अपनी माँ को चरणों की सेवा करते हैं, देवता क्या भगवान भी उनकी पूजा करते हैं। माँ के चरणों में कई स्वर्ग समाए हैं, उन चरणों की वंदना करनी चाहिए हमेशा और उन चरणों की सेवा करनी चाहिए। केवल माँ के चरण छूने से माँ की चरण वंदना नहीं होती है। माँ की चरण वंदना क्या होती है? माँ को दुखी ना करो, माँ के आंखों में आंसू मत आने दो, अपनी माँ से प्रेम करो, प्रेम से बातें करो,
अपनी हाथों से एक कप चाय बनाकर अपनी माँ को पिला दो, ये होती है माँ की चरण बंदना, ये होती है माँ की सेवा, ये नहीं कि केवल माँ का पैर छूने से माँ की आशीर्वाद मिलती है। जब तक माँ होती है खूब सेवा करो, खूब प्रेम करो उनसे, ताकि जब माँ नहीं रहे तो कोई पश्चाताप किसी को नहीं रहे। माँ के हृदय प्रेम से ही भर दो। There are so many heavens at the mother's feet. A mother has got a higher esteem than that of a saint or a god. A mother's worship is so much more than just touching her feet and getting her blessings. It's so much more than that. Talk to her. Do not hurt her. Talk lovingly to her. And never make her sad or unhappy. And if you did so, either unknowingly or otherwise, ask for forgiveness. Mom will forgive you. क्योंकि माँ जो होती है वो क्षमा की मूर्ति होती है। Make a cup of tea, offer it to her, feed her, and above all, tell her, Mom, I love you. अगर हिंदी में बोलना शर्म आती है, माँ हम आपसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, just three words in English, Mom, I love you, four words, Mom, I love you. Her heart will fill with joy listening to those beautiful words coming out of your mouth. क्योंकि जब आप माँ बोलते हैं आपकी कितनी भावना उड़ाती है आपके आपके हृदय से ना। दिस इज व्हाट अ मदर्स वर्शिप इज, सो मच मोर देन जस्ट टचिंग योर फीट एंड गेटिंग योर ब्लेसिंग्स। एनीथिंग दैट यू डू फॉर योर मदर, डू इट विद लव, फेथ, डिवोशन एंड अफेक्शन। प्रेम और भक्ति से जो भी कुछ करो अपनी माँ के लिए करो, क्योंकि माँ का जो ऋण होता है वो हम कभी नहीं चुका सकते हैं। Just remember this, that you are indebted to your mother. You will never be able to repay her for what she has given you. She has given you your life. अपने गर्भ में 9 महीने माँ पालती है, कितना पीड़ा सहकर आपको जन्म देती है, और आप छोटे बच्चे होते हैं चाहे इतने बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख आपको होता है माँ का हृदय छलनी हो जाती है। तो उनको हृदय हमेशा प्रेम से ही भर। तो चलो एक माँ को आज यहाँ बड़े प्रेम और श्रद्धा से यहाँ से विदा करेंगे। अभी परिवार के कुछ सदस्य हो रहे हैं कुछ बोलने वाले, वो आकर यहाँ पर माता श्री के विषय में कुछ बातें करेंगे, उसके बाद समय रहा तो कुछ और बातें करेंगे, फिर अंतिम यात्रा यहाँ से होगी। तो सर्वप्रथम मैं हम परिवार के सदस्य मौसा जरी मौसा को बुलाते हैं। मौसा आप आ जाए। नाम नहीं मालूम आपके, मेरा नाम नहीं मालूम। जेरी प्रसाद, जेरी प्रसाद बोल, जेरी प्रसाद ठीक है, कोई नहीं। मौसा बोला और अच्छा नहीं, नहीं मौसा बोला, हम सोचे अजय बोला है ना, जेरी मौसा, जेरी मौसा। अच्छा अच्छा, थैंक यू, सॉरी गलती मारी, बोलते हैं हम, बोलने में चूकेंगे नहीं, मालूम तो है आपको। एनीवे धन्यवाद, सबसे पहले तो पंडित जी का ही धन्यवाद करना है, क्योंकि ऐसे वक्त पर यही आते हैं सहयोग के लिए और धीरज धराने के लिए और कुछ रास्ता भी दिखाने के लिए कि ये सब है क्या, जिंदगी क्या है, और जिंदगी से हट जाना वो भी क्या है। पंडित जी हैं रिश्तेदार भी, हमारे भी रिश्तेदार में आप बहुत लोगों के होंगे, लेकिन आजकल लोग इतने बदल गए हैं ना, मैंने नए लोग आ गए हैं तो रिश्तेदारी भी पता नहीं लगता है। आप हैं वन बकासी के विलास फैमिली, धीरेन विलास शायद फैमिली को जानते होंगे, क्योंकि हम लोग सब ज़्यादातर नसोरी वाले हैं, लेकिन नसोरी वाले बहुत यहाँ भी पैदा हो गए हैं, तो वो उधर का किस्सा बहुत नहीं जानते। चलो ये पंडित जी का थैंक यू वेरी मच पंडित जी, और आप लोग जितने आए हैं आज के यहाँ सिद्धार्थ के कार्यक्रम में, और आखिरी सफ़र जो आखिरी पग बचा हुआ इसको एक तरह के गवाह करने के लिए और अपना सहानुभूति के लिए, जो आप यहाँ आए हैं
और जो लोग हमें देख रहे हैं, भैया कैमरा लगाया हुआ है इसके जड़ से, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल जाता है, लाइव स्क्रीनिंग, अच्छा लाइव स्क्रीनिंग इसको तय किया गया है, लाइव स्क्रीनिंग पूरा टोरंटो में चल रहा है। मेरा एक दो फोन आ गया वहाँ से कि वहाँ देख रहे हैं लोग, और मैं जहाँ जानते हैं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो कॉन्टैक्ट है वो फिजी वालों में भी है, न्यूजीलैंड में है जो परिवार उनके पास भी है, तो वो सभी देख रहे हैं, तो हम उनको भी सबको नमस्कार कर रहे हैं अपनी तरफ से, धन्यवाद हमारे तरफ से नहीं परिवार की तरफ से हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग भी सहयोग दे रहे हैं इस, समझ लीजिए बहुत मैं दुख के समय नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये एक शोक का समय जरूर है, क्योंकि ये हमारा परंपरा है कि कोई अगर गुजरता है तो उसके लिए हमें शोक मनाना है, मनाना चाहिए, ये चलता चला है, एक नया रीति चला है जिसको कहते हैं कि लाइफ सेलिब्रेट करो, लेकिन ये हमारे में नहीं है, करना चाहो करो, बहुत तबलियत होता है, बदलाव आता है, ये बदल सकता है, हमारे में शोक है, घर में बैठो खाना मत बनाओ, शोक करते हैं, तुम्हें सहयोग मिलेगा, पड़ोस वाले करेंगे, सब सहारा बनता है, लेकिन ये रीति है, ये चला आया, ये करना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर आगे चल के हम लोग जब 12-13 रोज इस काम में लगे रहते हैं तो कोई खास ऐसा खाना पानी भी बड़ा मध्यम साधु विचार के भोजन वगैरह करते हैं, तो ये मैं सोचा थोड़ा आप लोगों को सभी को धन्यवाद दे दें इस प्रोग्राम में जो आप लोग सभी हिस्सा ले रहे हैं, और बात तो पंडित जी ने बताया, जेरी प्रसाद लड़के हमारे भतीजे लगते हैं, और इनके डैडी हमारे बड़े भाई रहे, और ये नातेदारी हम लोग के इंडिया से चला आया है, हमारे हमारे आजा से और इन बच्चों के आजा से, सो ये रही बात, अभी मास्क निकाल सकते हैं ना यहाँ पर, देवी गंगा जली इनका पैदाइश मेरे ख्याल से 1924 में अप्रैल में हुआ, अगर तारीख चाहोगे तो मैं लिख कर रखा हुआ हूँ, लेकिन हम समझते तारीख से क्या करेंगे ना, उतने ही काफ़ी है उम्र में, आप राइट इम्पोर्टेंट डेट दिस देख ठीक ही रहो नंबर वाला खेल में मेमोरी लॉस हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली शी वॉज बोर्न ऑन डिसम्बर 24 क्रिसमस ईव, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, एंड 1924 देन वी ऑल्सो शुड मैंशन शी पास्ड अवे ऑन न्यू ईयर्स ईव, दैट्स द 31st ऑफ डिसम्बर, am I right? Yeah, 31st of December, that is 2021. Have I got those dates right? Yeah? Yes, everybody? No? Okay, tell me. Did somebody say no? December 20th. December? December 20th, 1924. She was born on December 20th, 1924. Okay, I got you. I thought it was 24th, but all right. December 20th, I'll check my... December 20th, 1924. So that wasn't really Christmas Eve. But New Year's Eve for sure when she decided to leave us. Eh? That one is okay. All right, we're not going to spend too much time on that, but that's all right too, I suppose. So this is Ganga Jali. She was a, as we were being told, you know, because I wasn't there either. You know, she was much ahead of me. And in village, there was a lot of talks in those days. Ladies didn't have that much to do. She was born in Rarulegu. Father's name was, I've got it right here again. बड़ा मुश्किल पड़ जाता है इस बातों का. हमको खुद उसके माँ के नाम है इतवरिया. ये मुश्किल नाम है. हम लोग आजकल के ज़माने में ऐसे नाम नहीं रखते. और फादर के नाम दुखी था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ या नहीं हूँ तो. राइट. हाँ दिखाई. हम लिख के तो लाता है, पढ़ नहीं पाता, लेकिन ये भी ख्याल करना, दिखाने के लिए रहता है. हाँ दुखई और एतोरिया के घर पर ये पैदा हुई. इनके अपने
चार भाई और छह बहनें रहे, अब तो मुझे ख्याल से कोई नहीं रहा हो गया। तो चलो एक अच्छा बड़ा फैमिली में इनका जन्म हुआ, और ये अगर नंबर वन नहीं रहे उस फैमिली में तो नंबर टू जरूर रहे। और बताया जाता है घर में बातें होता है बड़ों का कि बड़ी बड़ी सुघर बेबी रही, बड़ा सुघर रही, और इनके मैया बड़े खुशी में इसके नाम रखी गंगा जली। अब सोचने वाली बात है ना, गंगा जली बड़ा सुंदर नाम है, और रखने वाला का नाम है यतोरिया। ये भी एक मैसेज देता है कि इंसान में एक बच्चे को देखकर एक ज्ञान आता है कि इसको नाम भी हमें सुंदर देना चाहिए। सो शी वाज नेम्ड गंगा जली, एंड आई थिंक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, थिंकिंग बैक द कल्चर ऑफ आवर पीपल, हाउ दे वर नेमिंग देयर चिल्ड्रन, एंड देयर वाज अनदर गुड काइंड ऑफ एक्सेप्शन फॉर द ब्यूटी शी वाज एंड द ब्यूटी She presented herself as life went on. And this is all happening in Ranarlevu, my friends, not in India. But it could have been very easily happened in India. Then she'd have had to travel on the boat for months to get to Fiji. And even the Almighty said, no, let's make it easy for you. We will plant you right in Fiji. Kya bolte Fiji ko? Ramnik Deep. But sundar jagah, but tumko to Ramnik Deep mein dale. Huh? India mein bada mushkil padta hai. आना फिर आते आते क्या तकलीफ उठाना पड़ता ना, ये भी उन्हें उनको जोड़ना झेलना पड़ा। फिर अच्छे परवाह हैं ये लोग, अच्छे खाने पीने वाले हैं, उनके बच्चों के मामा और फुआ लोग हैं, उनके बच्चे लोग हैं यहाँ पर, ये सब काफ़ी सयाने और ज्ञान वाले हैं। तो इट शोज द प्रोग्रेस ऑफ द फैमिली एज इट हैज गॉन एंड वी हैव गॉन थ्रू। और फिर वही रानालेवू में हमारे दादा रहे सुदीन लोहार, वास्तव में उनका पहले पहचान दिया जाता था, उनका फैमिली थे, उनके बड़े बेटे के साथ फिर इनकी शादी हुआ। तो वो सुदीन लोहार के घर में तो बड़ा बड़ा खुशियाली हुआ ना, बड़ा उस जमानों में बड़ा गाना बजाना हो रहा था, डपला वपला पीट के झाँझ झाँझ बजा कर दुल्हन को ले आते थे घर पर, तो बहुत दूर के आना जाना नहीं था, बस आस पड़ोस में हो गया शादी बिया। तो दूसरी बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पैदा हुई थी फिजी में, तो क्या करना, 2024 में बहुत कुछ रहा नहीं फिजी में, है ना। ऐसे कहा जा सकता है कि जब आप आई थी फिजी में, जब पैदा हुई तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, आप आए तब सब शुरू हुआ वहाँ से। अगर रानालेवु से नसूरी टाउन को आओगे, ई पार कैसे आओगे, कोई ब्रिज नहीं था, नन नथिंग, और बोट का भी सुविधा नहीं था उन जमाने में। बाई बेलो बोलते हैं, कनू फिजियंस बनाते हैं, नेटिव्स बनाते हैं, जानते हैं आप लोग, बाई बेलो बोलते हैं, वो बहुत चलता था, और बिलिम बिली, और ऐसे इतिहास बताता है कि बहुत लोग रेवा रेवा क्रॉस करने में अपने जान भी खो दिए, ये एक इतिहास है। और उस समय ये इनका पैदाइश हुआ, और ये खुद अपना कैसे अपना हौले हौले धीरे धीरे अपना तरक्की दुनियादारी के मामले में करती चली गई। ऐसा मत समझ लें ये घर में बैठी रही तो कोई मामूली इंसान रही, कोई माँ मामूली नहीं होती है, खास करके ये तो बिल्कुल नहीं मामूली थी। बिल्कुल आज मेरे ख्याल से 13 बच्चों को जन्म दिया इसने, ये भी मामूली बात नहीं, ये मुल्क के लिए भी एक शान का वाक्या होना चाहिए कि उस समय फिजी में जनसंख्या को बढ़ाना था, ऐसे माताओं का उनको आदर करना चाहिए, दे शुड गिव देम अ स्पेशल रिकॉग्निशन। आज के बच्चों तो जानते हैं हम लोग ना, शादी ही नहीं करते, बोले हम बच्चा नहीं पैदा करने के, नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोले कमर टूट जाएगी, एक ही बच्चा है बस नहीं। तो ये आज का ज़माना है, और वो ज़माने का एक ही घर का किस्सा नहीं है, इनके जो देवर रहे उनके घर पर भी 11 बच्चे हुए। तो वो ज़माना ही ऐसा था कि माएँ बहुत कुर्बानी करती थी, बस उफ नहीं करते थे, और अपना सहयोग जनसंख्या के मामला हो, खेती बाड़ी में हो,
घर भार के मामला में हो, बच्चों के भविष्य के बारे में हो, वही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जमाना अलग था ना, पिता जो रहे ख्याल करना ये 100 बरस के बाद है, तो वो लोग तो कुछ खास काम करेंगे, घोड़ा वाला जो काम रहा, जानवर वाला काम वो करेंगे, बोले मैं बड़ा काम करता हूँ, और छोटा छोटा काम सब माँ ही करेंगे खेत में भी, और घर का काम तो बाप करेगा नहीं, वो तो हमारे क्या बोले स्टेटस है बिगड़ जाएगा, तो घर का बिल्कुल नहीं काम करेंगे, ना बच्चे को देखेंगे, वो जमाना था। तो माँ सब कुछ करती है तुम्हारे लिए, जो बच्चे आज हो तुम लोग, तुम एहसास नहीं होगा लेकिन एहसास करोगे तो समझोगे कि माँ ही सब कुछ करती है। रोटी बनाती होती है, तुम चिल्ला पड़ते हो तो दौड़ कर जाती है कायदे से अपने ओढ़नी संभाल के, फिर तुमको दूध भी पिला कर फिर तुमको शांति करती है। ये हुआ है, होता है, और आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते हो। और आज हम लोग अच्छे माहौल में रहते हैं, जैसे कनाडा जैसा मुल्क है जहाँ हमें बुरे दिन को सोचने का भी जैसे क्या फ़ायदा, क्या फुर्सत, क्या फुर्सत हो या ना हो फ़ायदा क्या, लेकिन वो भी बुरे दिन नहीं थे, फैमिली बड़े खुश में रहे, लेकिन बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उनका, है ना। सो आई थिंक व्हेन वी हैव दिस लेडी लीविंग अस टुडे, वी नीड टू लुक एट हर पास्ट एंड सी हाउ शी प्रोग्रेस्ड, है ना। तो जैसे मैंने बताया, फिर इनका शादी हुआ, मैंने सुदीन दादा के घर में, महेश प्रसाद इनके दूल्हा थे, बड़े भैया रहे हम लोगों का, और परिवार तो, और फिर उनका एक लोहार खाना भी था, ये लोहार लोहा के काम करते थे और मजबूत सिटीजन थे फिजी के, इसमें मामूली लोग नहीं थे जैसे बस भैया आज किसानी कर लिया, कल खा लिया, सो गए, आलू रोटी खा के, ये एक समझ लो कुछ बिजनेस वगैरह ये सब उनका ठीक रहा। और लड़के जब बड़े हो गए, उनके भी बेटियाँ भी रहीं, और चार लड़के रहे, 1, 2, 3, 4, तो ये लोग फिर वहाँ से निकल कर ओवेरा आ गए, ओवेरा आए तो वहाँ फिर अपना बिजनेस चलाए, दुकान वगैरह चलाए, तो कोई दुख तकलीफ भी नहीं है खाने पीने का, आमदनी का ये, और भौजाई के हमारे तो जब शादी करके आए तो 4-3 देवर मिल गए ना, रमेश, गणेश और रामचंद्र, बड़ा फेमस आदमी है रामचंद्र नौसोरी के, तो ये तीनों इनके देवर हैं। अब छोटे रहे तो इनको भी कोई खेलने वाला मिल गया, भाभी भौजाई आएगी ना, भाभी बोलते, भाभी अल्फाज हम सुने नहीं थे उस जमाने में, भौजाई बोलते थे, भौजाई भौजाई आ गई, घर वालों के दुल्हन आ गई, पूरा गांव वालों के लिए दुल्हन आ गई, और वो भी दुल्हन खूब चमके, सुंदर, बोलते हैं जैसे ना हम लोग में गोर है जो सुंदर है, सुंदर तो रही और गोर भी रही और गुण में भी सुंदर रहे। तो ये सब खूबियाँ हैं, हम इस पर नजर नहीं डालते हैं कि हम मैया 70-13 साल 13 लड़कन पैदा कर खाली खेतों में रही, खाली खनवे बनाते रहेगी, नहीं नहीं, इसके अलावा उनका बहुत भारी, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है परिवार में। ये हम लोग को कभी कभी सोचना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और आजकल हमारी माएँ और फादर्स टू बहुत इंडिपेंडेंट हो गया, अब तुम्हारी कमाई पर भी भरोसा नहीं करते हैं। हम ऐसे मुल्क में आ गए हैं कि सरकार बोलता है हम तुम्हें देंगे, तुम खर्चा करो, मजे करो, किसी के आश्रय पे नहीं रहना है तुम्हें। सो बट जैसे पंडित ने बताया कि प्रेम चाहिए सभी को, माँ को आदर करो, वो उससे संतुष्ट हो जाती है। एक बात और ख्याल रखना चाहिए कि 9 महीना जब आप माँ के पेट में रहे तो जो माँ खाती थी वही तुम खाते हो, उसी से तुम बड़े हो, उसी से तुम्हें ज्ञान बुद्धि सारा कुछ आया। ये सब आजकल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कभी कभी हम ये समझ नहीं पा रहे कि माँ की वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं है, मदर इज कंट्रीब्यूटिंग सो मच इन योर ओन ग्रोथ प्लस द नेशन शी इज लिविंग इन, यू आर ऑल एन एसेट टू दिस कंट्री नाउ, व्हेन यू वर इन फिजी यू आर एन एसेट टू फिजी एंड डोंट एवर थिंक एनीथिंग लेस। तो अब ये सब तुम्हारे माँ की देन है तुम्हें।
और मुल्क का और सभी के लिए। तो चलो ये तो हुआ, शादी ब्याह करके आ गए ये लोग, है ना। फिर सुदीन दादा के अपने परिवार लेकर ओला चले गए, क्योंकि उनके भी परिवार बढ़ने लगे तो जगह छोटा पड़ने लगा। ओला में भी बड़े अच्छे जगह पर इनका, जब हम बोलेंगे कि सुदीन के फैमिली, तो ये भी हिस्सा है उस फैमिली के, और ये बड़े हिस्सा हैं, बड़ी बहू है घर के ना, बड़ी दुल्हन है, इसका तो मान जान बहुत है। तो ये लोग वहाँ रहते हैं। फिर लड़के लोग और जो देवर लोग वो भी बड़े हो गए, चार थू और आए, तीन थू हो गए, अब सारे घर फिर छोटा पड़ी। अब ये लोग भी शादी करके आ गए, घर फिर छोटा पड़ने लगा। तो जिसके समझ रहता है तो वो कहता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग हो लो, यहाँ तक कब तक आएंगे एक के नो चक्कर लगाइ। तो रमेश्वर भाई जो इनके देवर हैं, वो अपने फैमिली लेकर अमेरिका चले गए थे, मेरे ख्याल से वो लोग भी आज सुन रहे होंगे। हम आपको भी याद कर रहे हैं, आपकी फैमिली को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि आप भी शोक सहानुभूति में हैं, शोक शोक में भी हैं अभी। फिर दूसरे भाई गणेश रहे, जो वहीं अपने पिता के साथ दुकानदारी करते रहे, और राम सिंह भी अपने पिता के साथ रहे, और लेकिन वो अलग बिजनेस भी करने लगे, लोडी ट्रक बालू ब्लॉक ये सब में चले गए। महेश भाई अपना फैमिली बटोर के पीछे पहाड़ पर जाके बड़ा जमीन खरीद लिया, बहुत बड़ा जमीन है, चलो 8-10 एकड़ तो जरूर होगा। जब जमीन फ्री होल्ड ले लिया उस जमाने में, तो अब ये मैं ये छोटे लोग नहीं है, ये तो आसामी लोग हैं, पता नहीं कितने लोग इनके जमीन में बसे हैं, ये खुद नहीं जानते। लेकिन वो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई जोर नहीं कि तुम हमारे घर में हमारे जमीन में से नहीं हमारे निकलो, में पोत दे हम ये दो, ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं। सब लोग बड़े खुश में अपना समझ कर रहे थे, लेकिन वो सब इन्हीं का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिनका जिनके बारे में शायद ये कभी जिक्र नहीं करते हैं, जो अभी भी ओला में है, जो इनके नाम पर होना चाहिए, अब बदलेगा शायद। तो दिस इज आई जस्ट टेलिंग अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड वेयर इट दिस इज ऑल ओरिजिनेटिंग। ऐसा नहीं था कि इनको कनाडा इमिग्रेट होना था किसी फाइनेंशियल लाभ के कारण, लेकिन बच्चे जब मूव हो रहे हैं तो माँ बेटों को तो भी मूव होना पड़ता है। और हमारे इनके बड़े बेटे रजेन, और रजेन की दुल्हन को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने फिर अपने सास ससुर को क्या स्पॉन्सर करके बुला लिया, उनके साथ एक दो बच्चे भी आ गए, तो परिवार मैंने मूव होने लगा कनाडा के तरफ। जो जो आप आ सके आ गए, रमेन साहब आ गए कुक एट समय, तो इस तरह से परिवार सब तो नहीं आ पाए, तो माँ को तो अब दुख होता है, लेकिन किससे बोलेगी ना, सब तो नहीं आ पाए, जो वहाँ रह गए वहीं रह गए, और यहाँ वाले तो ठीक है, और जो पोर्टलैंड में भी आ गए दो, तो दो 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 बेटियाँ पोर्टलैंड में हैं, वो यहाँ भी आई हैं आज। आज एक माया है ना, और एक महन और महन के दुल्हन है ना, ये लोग पोर्टलैंड से आए हुए हैं। नाम लेने में मैं था झिझकता हूँ, क्योंकि कहीं इधर का नाम उधर चला गया तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बात समझ लेना, परिवार ही बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ दोस्त भी आए हैं, कुछ जान पहचान के लोग आए हैं। तो अच्छा पंडित जी के तो आप कर लेना मंदिर में आधा घंटा, इधर उधर भी तो शॉर्ट हो जाता है ना, कहानी तो सुनाना पड़ेगा। 75 ईयर्स का जेनी है पंडित जी, तो कहानी तो सुनाना पड़ेगा, जरूर 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 जरूर, तो कहानी तो सुनेंगे, क्योंकि आप आधा घंटे देर से भी आ रहे हैं, ये भी ख्याल कर लेना क्योंकि है ना। सो सुन लो, जिसके लिए आए हो उसकी कहानी सुन लो, और उनको विदा करने में तो पंडित जी सहयोग देंगे ही। तो अब मैं जैसे कहा कि फिर ये लोग आ गए यहाँ, कुछ दिन बाद महेश भैया का हार्ट अटैक से अचानक में फेलिया हो गया, वो भी चले गए छोड़ के। तो अंदर अंदर मान लो दुख रहते हैं, दुख वो भी अकेली हो गई ना, एक साथी भी चला गया, बच्चे रहे सहारा रहे, बट नेवर लाइक योर पार्टनर इन लाइफ, सो यू ऑलवेज मिस दैट। सो
Again, I won't cut my speech short because I feel this lady has been a great inspirer to the people around her and to her own children. And she's done a lot by herself. She also chose to not to be a burden on anyone of the children. She said, I will manage by myself. And that she did. एक शेर आ जाता है मनोहर राणा बोलता है कि किसी के हिस्से में घर आया किसी के हिस्से में मकान आया मैं छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई दैट इज राजू के साथ इसकी माँ रहती है अच्छा और फिर बातें तो होता रहेगा और आप लोग भी ज़्यादा भी जानते होंगे तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और हमें मदद करें इनका अंतिम यात्रा के लिए और ऐसे करें कि हम ज़्यादा इमोशन ना पैदा करें समझदारी से ज़्यादा काम लें क्योंकि अब हम समझदार हुए ज़िंदगी भी समझते हैं और मौत को भी समझने लगे हैं ये तो ये दोनों होता है एक होता है तो दूसरा होना है तो इमोशन को कंट्रोल में रखें क्योंकि बेटियों के लिए खास करके बहुत मुश्किल पड़ता है इस समय बट Please have some control. ये समझदारी रहेगा. Thank you very much, Pandit ji. शुक्रिया मेहरबानी. किधर यार? धन्यवाद. Thank you. किधर रखा पानी मेरा? धन्यवाद श्रीमान जेरी प्रसाद जी. मोसर. Thank you. परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है जो इतने जब से मिट्टी हुई है आप जो सहयोग प्रदान की है परिवार को भोजन पानी चाय इत्यादि से उसके लिए परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है और गीता पाठ कल शाम से शुरू होगी क्योंकि राख हमको कल मिलेगा और उसके बाद कल से जो भोजन घर पर बनेगा वही भोजन होगा और बाहर के भोजन कल से बंद हो जाएगी तो आप सभी से अनुग्रह करते हैं कि कल से बाहर के भोजन मत लेकर आएँ थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट द फैमिली इज थैंकिंग ऑल ऑफ यू हुएवर हैज प्रोवाइडेड यू सपोर्ट प्रोवाइडेड देम सपोर्ट इन एनी वे ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स नाउ इफ एनीवन हैज टू लीव अगर किसी को जाना है वो आकर शो का दर्शन कर सकते हैं और फिर आप जा सकते हैं इफ समबडी वांट्स टू लीव दे कैन कम एंड पे द लास्ट रिस्पेक्ट्स एंड दे कैन गो सो नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन माइकल एंड जेडन टू कम अप हियर एंड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ Hi everyone, my name is Michael Prasad. I am a Dunga Jali's grandson. I want to thank you all for coming. Your attendance here speaks volumes about the impact that this wonderful woman has on us. I'm sure everyone has memories much like mine. They are good memories, something we always have to cherish. Isn't often in our lives that we come across something, someone so special that person stays with it forever. Aji was that kind of person. Aji was really, truly an icon who walked this earth for 97 years, 3 years shy of 100. That's an incredible feat on its own. She was the glue that kept the family together. She was the strength and foundation. Her place was a crossroad for families to come and visit. It bears her wish to continue to carry the strength and unity throughout the family. When I was younger going to her house, the first thing she would say is, Michael, Chabanadi, Kananikali, which means, should I make some tea? Should I bring some food out? It didn't matter how full you were, she kept asking if you wanted more. And boy, did she ever make some good alu gobi and bhaji. It definitely showed her level of love, warm, and hospitality.
it was second to none. She used to laugh at my quirky jokes and my theatrics. I used to love to listen to her chuckle away. She used to love when I say Arayar or Hey Bhagwan. That got her going. The kind of love that Aji felt for us was a love without condition. To think that someone like her felt that way about us should make us all feel more than a little good. We cannot forget that there's a part of her in each of us. Something that she gave to us and asked for nothing in return. One of my fondest memories with her is I took a trip to Oregon to my cousin Bubba's wedding with Aji and Moyi Auntie in our family's 1989 Bronco 2. During the course of the trip, we shared lots of conversation. We reminisced on fond memories. She used to talk a lot about how her life was in Fiji. We finally arrived to my Bubba's cousin's house, where we ran into my cousin Irene. She's quite certain she knew where the wedding venue was, so we ended up following her. Man, were we ever wrong. She took us around and around in the round muddies, and she was just as lost as we were. Aji was laughing hysterically. And she was saying, "Bole, ilarki akahamu lingjai," which means, where is she taking us? I was stressed out. Moini Auntie was in the back seat, just shaking her head. Finally get to the venue super late. I never heard Aji laugh so much. It's these kind of memories that she gave to me and share with her that I'll carry for the rest of my life. Aji, even though I can't hug and kiss you anymore, you'll always be around me in spirit and be my guardian angel for life. So for your wisdom, your courage, your humor, tenderness, and compassion, your understanding, your patience, and your love, thank you, Aji. Aji, the mold was indeed broken. Thank you so much. I love you. Jay Wong. Jaden, if you could come up now, please. Hi everyone, my name is Jaden. I am my Paraji's great grandson, her second oldest son, Raman Prasad's grandson. Even though she was my Paraji, I loved calling her Aji. Aji was a very loving and caring person. The smallest, simplest thing like a phone call or a house visit would brighten up her day. Every time I went to see Aji, she would have a smile on her face. When I would walk over to touch her feet to seek her blessing, she would grab me and give me a tight hug with a kiss on the cheek. I'm gonna miss those warm hugs. When Moini Nani called and said Aji is no more, we were left with a hole in our hearts. Heaven gained another angel. She's now above, smiling down on us with my Paraja. Aji, even though you aren't here in person, you'll always be in our hearts. I love you and I'll miss you. Thank you for being my Paraji. Rest in peace. Thank you for listening. Thank you. Thank you, Jaden. It was very well spoken with you. And now if we can call upon Nyadlin, Jackie, and Rosita. Please.
On behalf of my family, I would like to begin by thanking everyone that is here today and for those who have sent their condolences. We have received countless phone calls, flowers, meals, visits, thoughts, and prayers. They have been both comforting during this difficult time and have been a constant reminder of the impact that Aji had on all of us here today. They say that life is not about the number of breaths you take, but of the moments that take your breath away. On this day, I am proud to say that our grandmother had both of that in her 97 years of existence. She was one of the few people who I know who had a truly good life. Aji may have gotten very sick near her end, but in our eyes, she has never lost the quiet sort of strength she always had, even as she grew old. Hers was the voice that never failed to give us the comfort we needed, as well as the best of advice. A woman of principle and courage, our Aji was always firm for what she believed in, and it is from her that we have learned to stay strong. But Aji was more than just a strong figure. She was also a woman of gentle smiles and a soothing, although shaky, voice. I remember how she used to smile a lot in response to different statements, for she was not a person of many words, yet she found a way to make you feel loved. In preparation of this eulogy, we reached out and asked family members, what are three words that you would use to describe Aji? Their response, while simple, began to paint a detailed portrait of the woman we all knew and loved. She was described as considerate, loving, selfless, nurturing, thoughtful, caring, and always compassionate. Aji was unbelievably compassionate. Her heart and her generosity knew no bounds. Her door was always open, literally. She rarely locked it. You could just walk in, and people often did. Neighbors, friends, immediate family, and relatives all knew they had a place to stay for a few minutes, a few hours, or a few days to enjoy her hospitality and her generosity. The kind of love our Aji felt for us was a love without condition. She may not have approved of everything we did, may not have liked some of the decisions we made, but she didn't lecture, she didn't judge. She just kept loving us, letting us know that she was there, and if we ever needed her, we could count on her to listen, to comfort, to help. Her generosity matched like no other. Even though all her suffering during her last days, she never failed to look out for her loved ones. She lived a simple life. It didn't take much to make her happy. A phone call, a card, a visit, or a simple hug, she gave the best hugs. We were the most important people in the world to her. She lived to make our lives better and was proud of us. Many people live an entire lifetime without experiencing that type of love and wisdom. And through the love and wisdom she has given us, there will always be a part of her in each of us. What we inherited from her cannot be damaged, destroyed, or lost. It is permanent, and it keeps her from becoming just a wonderful memory. It allows her in so many ways to remain just as alive as always, alive through us. There have been and will be times in our lives when situations arise where we'll want so much to talk to her, be with her, or ask her just what we should do. I hope that when those times come, we can begin to look to each other and find that part of her that she gave to each of us. Maybe we can learn to lean on each other and rely on each other the way we always knew that we could with her. Maybe then she won't seem quite so far away. While our family stands deeply grieved by the loss of one of the pillars in our family, we are also thankful for the chance to have had her. After all, not too many people have had the privilege of knowing someone as remarkable as her. Aji, we want to thank you for everything you have done for all of us near or far. A mother of 13, a grandmother, a great-grandmother, a sister, and aunt, you created a relationship and a bond with each and every one of us. Your age, your health, or your distance never stopped you from being there when we needed you the most. We will miss you in everything we do, but we find comfort in knowing you have been reunited with your husband, children, and grandchildren. We can only hope to keep your memory alive by sharing experiences and beautiful memories that you created for us. We love you and we will miss you deeply.
those who spoke on behalf of the family, very beautiful, thank you. And like I said at the beginning, we're going to try to send her off very beautifully and with lots of love and respect. तो मृत्यु मृत्यु क्या है क्या आप भी मृत्यु से डरते हैं आर यू अफ्रेड ऑफ डाइंग मृत्यु और उसके भय हमेशा जीव को सताता रहता है डेथ एंड द फियर ऑफ डाइंग हैज ऑलवेज प्लेड ऑन आवर माइंड्स वी आर अफ्रेड ऑफ डाइंग आखिर मृत्यु क्या है व्हाट इज दैट मृत्यु तो केवल आत्मा को शरीर से बदलने का एक प्रक्रिया Death is just the soul moving on from one body to another. मनुष्य का इसका भय लगा रहता है We are afraid of passing away, we are afraid of dying. इस मोह माया भरे संसार में केवल मृत्यु ही एक वस्तु है जो कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है बाकी सब कुछ हम ग्रहण करना चाहते हैं मृत्यु को नहीं In this illusionary world, the only thing that we do not want to attain is death. The rest of the things we want. फिर भी मृत्यु तो अटल है death is certain, we cannot, no one can escape it. मृत्यु से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि इस पृथ्वी पे या कहीं हमारे समाज में लोग आमतौर पर मृत्यु की चर्चा नहीं करते हैं इसकी चर्चा केवल संत महात्मा तत्वदर्शी और बैरागी तथा बुद्धिजीवी लोग जीवी लोग करते हैं The reason that we are afraid of death is that because generally we do not talk about death in our society. It's taboo that we don't want to talk about it. The ones that talk about death are the saints, the ones without any attachments, and to the material world and the intellectual ones. हम मृत्यु से इसलिए भी डरते हैं कि हम इस संसार में भौतिक सुखों स्वार्थ ईर्ष्या और लालच में डूब जाते हैं वी ऑल्सो अफ्रेड ऑफ डेथ बिकॉज वी आर इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड आवर सेल्फिश जेलसनेस ग्रीडी वी आर फिल्ड विद ऑल दीज क्वालिटीज भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म लेना भी अवश्य होता है जन्म अवश्य होता है Lord Krishna states to Arjuna that death is certain for the one who is born, and then there is a rebirth. जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके ऐसा कुदरती ही व्यवस्था है इसके लिए तेरा शोक करना उचित नहीं है अर्जुन आत्मा और शरीर का संबंध जब खत्म हो जाता है तब हमारी मृत्यु हो जाती है Death is the cessation of the mind and the body. आत्मा अमर है अर्थात इसकी मृत्यु नहीं होती है तो इसका शोक करना व्यर्थ है शरीर की मृत्यु होती है वो तो नाशवान है उसका नाश कभी ना कभी तो अवश्य ही होगा वह निश्चित है उसका शोक करना व्यर्थ है अर्जुन इसी सत्य को जान लेने से आत्मा और शरीर के भेद को जान लेने से मृत्यु का भय जाता रहता है When we understand the truth about our body and our soul, that our body is destructible and that our soul is eternal, our soul never dies, our body is perishable, we will understand death and we will not fear it. तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ पर आए हुए माता की अंत्येष्टि अंतिम यात्रा के लिए and the ones who are watching our live stream all over the world. Thank you very much. और इसके बाद जैसे मैं कल कहा था कि तपा कल शाम से शुरू होगी एंड एवरी नाइट विल ट्राई टू स्टार्ट बाय 7 o'clock एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर प्रोवाइडिंग फैमिली विद सपोर्ट सो फार एंड फ्रॉम टुमारो देयर विल बी नो आउटसाइड फूड एंड देयर इज रीजंस फॉर दिस व्हिच आई विल बी एक्सप्लेनिंग थ्रू आउट द 13 डेज व्हेन आई गेट अ चांस of some of the rituals that we do, then why do we do this, na? हम ये करते हैं तो किसी से पूछो क्यों करते हैं तो नहीं हम की परंपरा है चलता है समय चलते करते रहेगा ना But anything we do in Hinduism, any rituals that we do, there's a reason behind it. जैसे हम सोना क्यों रखते हैं
काला तिल क्यों रखते हैं, कुश प्रयास क्यों रखते हैं, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट ड्यूरिंग दैट 12 नाइट्स। तो चलो, जो जो खड़े होने की योग है, whoever is able to stand up, if I may ask them to stand up, अंतिम प्रार्थना के लिए, उसके बाद फिर शो का दर्शन होगा। And the ones who are not able to stand up, जो खड़े नहीं हो सकते, आप बैठे ही रहिए। सभी अपना हाथ जोड़ लेते हैं। हरि ओम श्री महागणाधिपते नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषाराद्रिशंकाशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्वर्णमौलिकल्लालनीचारगंगा लसद्भालपालेन्द्रकण्ठे भुजंगं चलति कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननवनीलकण्ठं दयालं मृगादीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमयजम्बानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भागमयं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संधो मोहापुहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नयावदुमनाथ पादारविंदं भजन्ति लोके परिवारानं नतावत सुखम शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं ना जानामि योगं जपं ने पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतभ्यं जरा जन्म दुःखाद तात पमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। ॐ त्र्यम्बिकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवावन्दनां विद्युमोक्षमामृतात् ॐ त्र्यम्बिकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवावन्दनां विद्युमोक्षमामृतात् ॐ त्र्यम्बिकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवावन्दनामृत्युमोक्षमामृतात् हरि ओम शांति शांति शांति। आप देख सकते हैं now we're going to start the viewing. People who are sitting right in the back, जो पीछे बैठे हुए हैं, आप एक कतार लगाकर आकर उसे दर्शन करके आओ, इस दरवाजे से आप निकल सकते हैं। थैंक यू।
Thank you.
this family, you help everyone. That's not immediate family. Stand up and pay their respects, because then we'll close the doors and do a final puja with just the immediate family, okay? Thank you, everyone. Thank you.
Vishuvasate Prashisham
Vasudevaya Namo Namah.
Oh, we have to give it up.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram. Now you can adjust it. Hare Krishna, Hare Krishna. Adjust it a little. Oh,
Because of course this is your grandmother, your loved one. I invite all the immediate family to come close and we'll close our casket together. Okay? So just come step close. All I'm gonna do is I'll have people on both sides. I'm gonna unlock this side. So put a handle up top. And I'm gonna unlock this side. And on the count of three, we'll close both sides together. Okay? Yeah, people can come behind here too. Everyone can come close. Please can all step back. I just ask everyone to take one big step back so I can bring out her casket. Then I'll get the men's help only. Okay? Yep, we can put a hand on top. Everyone just follow me. I'm just gonna lift her casket here so she goes safe over the lip, okay? And we're just gonna go nice and slow over that lip there, okay? Perfect, thanks guys. Underneath this side, okay? So just watch your feet.
We're gonna pick her casket up. You two gentlemen, don't let go until the casket comes to a stop. Ready? One, two, three. Please pick up. Place on the first set of rollers and keep pushing her casket. Yeah, keep pushing, guys. Perfect. Keep pushing, she'll come to a stop. There you go, beautiful. And I'm just gonna put the lock so she's safe. And I'm just gonna quickly fix this. I'm gonna stop at the corner of the crematorium so we can walk her there, okay? Thank you, everyone. I'm not going to be able to do it.